नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रमेश सिंह की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तीन चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बफर स्टॉक, स्टोरेज और फार्म सब्सिडीज़। क्या होता है बफर स्टॉक? तो देखिए, सरकार हमारे देश की फूड सिक्योरिटी के लिए कुछ अनाज अपने पास सिक्योरिटी में रखती है, एकदम साइड रख के रहती है कि मान लो कोई कैलामिटी हो जाती है, डिज़ास्टर हो जाता है, कोई वॉर छिड़ जाता है, तो उस समय पर देश के खाने के लिए खाना हो, तो इसको आप बोलते हो बफर स्टॉक। दूसरा है स्टोरेज, कि भाई हम लोग जो खाना, जो धान वगैरह पैदा करते हैं उसको रखेंगे कहाँ, तो उसके लिए स्टोरेज। और तीसरी चीज़ फार्म सब्सिडीज, यानी कि ओवरऑल पैदावार में जितना खर्चा हुआ किसानों का और फाइनली जब वो मार्केट में बिका, तो इन दोनों चीज़ों के बीच का जो प्राइस डिफरेंस होता है वो घाटे का होता है, और वो घाटा सरकार उठाती है, और वो घाटा क्या कहलाता है यहाँ पर? फार्म सब्सिडीज। तो इन तीन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बफर स्टॉक, तो आप डेफिनेशन जानते हैं, इट इज़ द रिजर्व, तो इट रिफर्स टू द रिजर्व ऑफ कमोडिटी टू ऑफसेट प्राइस फ्लक्चुएशंस एंड अनफोर्सीन इमरजेंसीज। मतलब कल की डेट में एकदम से फूड ग्रेन की प्रोडक्शन कम हो जाए, या कोई मान लो खरफ या रबी की कोई एक क्रॉप खराब हो जाए, क्या कोई वॉर हो जाए, उसके चलते एकदम से नई पैदावार बंद हो जाए, तो हमारे सरकार के पास एक रिजर्व रहता है, एक बफर रहता है, उससे अनाज निकाल के ओवरऑल मार्केट्स में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। इस बफर स्टॉक के कंसेप्ट को 1969 में इंट्रोड्यूस किया गया था, फोर्थ फाइव ईयर प्लान के समय पे, ठीक है। अगर आप देखो तो सरकार बफर स्टॉक मेंटेन करती है कुछ फूड ग्रेन्स का, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, और ओवरऑल आप देखो तो ये जो बफर स्टॉक है सेंट्रल पूल का, सेंट्रल पूल मतलब वो अनाज जो कि केंद्र सरकार द्वारा खरीदा गया और केंद्र सरकार के कंट्रोल में है। एक पूल आपका राज्य की सरकारों का भी होता है, कुछ अनाज राज्य की सरकार भी सीधे सीधे खरीदती है डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट स्कीम के अंदर। मैं बताऊंगा आपको क्या होती है डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट स्कीम, और वो राज्य सरकारों के गोदान में रखा होता है। तो देखिए, जो बफर स्टॉक है ऐसा नहीं कि केवल केंद्र सरकार के कंट्रोल के अंदर होता है, ये राज्य की सरकारों के भी अंदर होता है, ठीक है ना भाई। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंटेन्स अ बफर स्टॉक ऑफ सेलेक्टेड फूड ग्रेन्स इन द सेंट्रल पूल फॉर, किस लिए? तो भाई देखिए, मिनिमम बफर स्टॉक के नॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं भारत सरकार ने फूड सिक्योरिटी के लिए। जैसा कि मैंने कभी बताया आपको कि कमी पड़ गई तो एकदम से यहाँ से अनाज निकाल लेंगे खर्चा करने के लिए। फिर मंथली रिलीज ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर सप्लाई थ्रू टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स। मतलब हर महीने के बेसिस पे फूड ग्रेन्स को टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए और अदर वेलफेयर स्कीम्स के लिए रिलीज किया जाएगा। फिर अच्छा, ये टारगेटेड वेलफेयर, ये जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है इसके बारे में भी आगे बात होगी, दूसरी जो वेलफेयर स्कीमें हैं उसके बारे में बात होगी। वैसे भी अगर आप मेरे करंट अफेयर्स देखते हो तो आपको पता है बहुत प्रकार की स्कीम्स के लिए ओवरऑल सरकार यहाँ खर्चा निकालती है। जैसे कि आपको पता है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, तो जो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है TDPS, ये TPDS स्कीम के अंदर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के अंदर जो फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं, तो वन राशन वन कार्ड वाला जो स्कीम है उसके अंदर ओवरऑल इन्हीं TPDS वाली फेयर प्राइस शॉप से जाके जो किसान है वो सस्ते दामों पे चीज़ें खरीद सकते हैं। मतलब अगर कोई महाराष्ट्र का किसान है तो राजस्थान की फेयर प्राइस शॉप पे भी जाके खरीद सकता है, अगर वो माइग्रेंट है तो। आपको पता है माइग्रेशन क्राइसिस के बाद वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू की गई है, मतलब आप कहीं के भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जो कार्ड दिया जाएगा उससे आप देश में कहीं पर भी फेयर प्राइस शॉप से जो अनाज है वो खरीद सकते हो। दूसरी वेलफेयर स्कीम्स कौन कौन सी है? तो भाई आपकी मिड डे मील स्कीम हो गई, और बहुत प्रकार की स्कीम राज्य की सरकार अपने लोकल लेवल पे चलाती है। फिर बफर स्टॉक क्यों रखा जाता है? इमरजेंसी सिचुएशन को मीट करने के लिए, डिजास्टर, वॉर, क्रॉप फेलियर, नेचुरल डिजास्टर्स, प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए। आपको मैंने बताया था ना प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड भी लाया गया। तो क्या होता है कि मान लो एकदम से मार्केट में किसी प्रोडक्ट के दाम कम, मतलब ज़्यादा हो गए, प्याज मान लो प्याज की पैदावार नहीं हुई, प्याज की फसल खराब हो गई, प्याज की डिमांड बहुत है और इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे हम लोग टेम्परेरली, तो ऐसे केसेस में ओवरऑल प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए जो हमारे बफर स्टॉक है ना उससे प्याज निकाल दिया जाएगा। तो हमारे बफर स्टॉक में बहुत सारे स्टॉक्स रखे जाते हैं, बहुत सारी आप कह सकते हो फूड ग्रेन्स के रिजर्व रखे जाते हैं, और समय पड़ने पर अगर उनकी मार्केट में कमी हो रही है तो अब देखिए किसी भी चीज़ की मार्केट में कमी हो जाएगी, उसकी डिमांड उतनी है तो उसके दाम बढ़ जाएंगे, तो ये दाम एक लिमिट से ज़्यादा ना बढ़ जाए इसको कंट्रोल में लाने के लिए बफर स्टॉक से अनाज निकाल के जो सरकार है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस कर देती है। अब ये जो सेंट्रल पूल वाला बफर स्टॉक है इसमें कौन कौन सा अनाज आता है? वो अनाज जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास पड़ा हुआ है, फिर स्टॉक्स ऑफ डी
सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट स्कीम ऑफ द पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज। देखिए कुछ अनाज आपको पता है कि राज्य की सरकारों की एजेंसीज और डी सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट स्कीम के अंदर भी होता है। एक्चुअली में होता यह है कि भाई जो केंद्र की सरकार होती है वो राज्य की सरकारों को क्या बोलती, आप समझिए बात को। एक्चुअली में फेयर प्राइस शॉप्स कहाँ पे हैं? अलग अलग राज्य की सरकारों में, और ये फेयर प्राइस शॉप्स राज्य की सरकारों में काम करती है। मान लो राजस्थान में सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर बहुत सारा अनाज खरीद लिया किसानों से, और कल की डेट में आंध्र प्रदेश में फेयर प्राइस शॉप में वो अनाज बांटना है, तो राजस्थान से आंध्र प्रदेश अनाज लेके जाया जाएगा। तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से क्या बोला कि भाई डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट है, मतलब कि राज्य की सरकारें अपने अपने लेवल पे भी ये जो अनाज है वो MSP पे जाके किसानों से खरीद सकती हैं, और फिर वो उसको अपने पास स्टोर कर लें और बेचने के समय पे फेयर प्राइस शॉप्स में उसको बेच दें। तो ओवरऑल ये जो आने जाने का खर्चा है ना केंद्र सरकार का अनाज को ले जाने लाने का, वो कम हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे एक्चुअली में इन अनाजों को लोगों तक पहुंचाने का काम फेयर प्राइस शॉप्स करती हैं, और वो फेयर प्राइस शॉप्स अलग अलग राज्य की सरकारों के अंदर काम करती हैं। काम करने का तरीका उनका यूनिफॉर्म है, बट ओवरऑल उसको चेक करने स्टेट गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर्स आते हैं, केंद्र सरकार के भी इंस्पेक्टर्स आ सकते हैं, लेकिन वो फेयर प्राइस शॉप्स अनाज कहाँ से लेंगी? तो अनाज तो उसी स्टेट से खरीदेंगे ना। अब एक स्टेट के अंदर अनाज कितना अवेलेबल होगा कितना अवेलेबल नहीं होगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उस राज्य की सरकार की है। क्लियर हो गई ना बात? तो केंद्र की सरकार ने बोला कि जरूरी नहीं है कि हम ही सब कुछ खरीद कर रखें, आप अपने एंड पे भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जो भी अनाज वगैरह है खरीद सकते हैं, और उसको अपनी फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू बांट सकते हैं लोगों के बीच में, और केंद्र सरकार से जो सब्सिडी आनी है वो वैसे भी आ जाएगी। अच्छा, ये जो बफर स्टॉक के नॉर्म्स है इनको तय कौन करता है? तो केंद्र की सरकार इनको तय करती है, समय समय पर तय करती है। मेनली देखिए बफर स्टॉक दो चीजों का मेंटेन किया जाता है, एक वीट का और एक राइस का। देखिए बफर स्टॉक इमरजेंसीज के लिए होता है, और इमरजेंसी में आदमी को दाल चावल भी मिल जाए तो भी वो अपने आप में बड़ी बात है। तो मेन जो बफर स्टॉक होता है वो दाल का होता है और चावल का होता है। वैसे तो आप देखोगे तो जो FCI की गोडाउन से उसमें सब कुछ भरा होता है, बट जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो दाल चावल का है। और कितना बफर स्टॉक मेंटेन करना है, इसको मेंटेन किया जाता है क्वार्टरली बेसिस पे, यानी हर 3 महीने पे परफॉर्मेंस इसकी देखी जाती है। कितना मेंटेन करना है, कितना सेव करके रखना है, तो ये हर 5 साल के अंतराल पे डिसाइड किया जाता है। ठीक है, बफर स्टॉक की जो लिमिट्स हैं करंटली वो यहाँ पे लिख रखी है, आप चाहो तो इनको देख सकते हो, हालांकि इतना देखिए जरूरत है नहीं। ठीक है भाई, फिर अगर आप आगे बात करो तो सरकार ने पल्सेस के प्राइस को कंट्रोल करने के लिए अक्टूबर 2015 में डिसाइड किया कि 1.5 मिलियन टन का बफर स्टॉक पल्सेस का बनाया जाएगा। अब देखिए इतने छोटी छोटी चीजें हम नहीं देखेंगे, क्योंकि 2015-16 के समय पे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ पल्सेस के दाम एकदम से बढ़ गए थे, तो सरकार पल्सेस के लिए परेशान थी। तो सरकार ने डिसाइड किया कि भाई हम पल्सेस भी अपने पास बफर स्टॉक में रखेंगे, ये भी हमारी प्रोटीन सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देश की एक बड़ी जनता वेजिटेरियन भी है, वो नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए पल्सेस जरूरी है। तो समय समय पे क्रॉप की रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी के हिसाब से अलग अलग नियम कानून बफर स्टॉक के रिस्पेक्ट में सरकार बना सकती है। ठीक है भाई, तो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और अदर वेलफेयर स्कीम्स, इन दो स्कीम्स के अंदर जितनी भी फूड ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट होती है टोटल 4 महीने के लिए, उसको आप क्या बोलते हैं? ऑपरेशनल स्टॉक्स। समझिएगा, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर आपको जो अनाज बांटना है, और अदर वेलफेयर स्कीम्स के अंदर जो आपको अनाज बांटना है, इन दो स्कीमों के अंदर आपको जो भी अनाज बांटना है अगले 4 महीनों में, उसको आप बोलते हो ऑपरेशनल स्टॉक। इस ऑपरेशनल स्टॉक के ऊपर आपके पास बफर स्टॉक भी होना चाहिए। ये सरकार, मैंने आपको बताया, हर 5 साल में तय करती, क्वार्टरली इसकी रिपोर्ट जाती, और इससे एक्स्ट्रा जो भी स्टॉक है उसको आप एक्सेस स्टॉक बोलते हो, और इस एक्सेस स्टॉक को हमेशा सरकार बेचने के मूड में होती है। तो इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा, अगर एक्सपोर्ट ऑर्डर आ गया, मार्केट में बेच दिया जाएगा इशू प्राइस पे, या फिर एडिशनल एलोकेशन कर दिया जाएगा स्टेट्स को, क्योंकि ये जो एक्सेस स्टॉक है ये रखा रखा सड़ जाएगा, तो सड़ जाए इससे पहले आप क्या करो, उसको बेच दो। ठीक है भाई, अगर तो हम देखें तो हमारी जो प्रेजेंट फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसको बहुत पॉइंट्स पे क्रिटिसाइज किया गया है। हम लोग क्या क्या प्रोक्योर करते हैं? वीट प्रोक्योर करते हैं, राइस प्रोक्योर करते हैं, जो हमारा बफर स्टॉक है उसमें मेन गेहूं और चावल है। अभी चावल एक वाटर गजलिंग क्रॉप है, और हमारा देश एक वाटर डेफिशिएंट देश है,
तो एक वाटर डेफिशिएंट देश में आप फूड सेफ्टी सब्सिडी दे रहे हो लोगों को चावल उगाने के लिए, ये एक प्रॉपर साइंटिफिक डिसीजन नहीं है। और स्टॉक पाइलिंग भी यहाँ पे चावल की ही हो रही है, तो ओवरऑल इस बात को लेके सरकार को अक्सर कर क्रिटिसाइज भी किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही है। फिर आगे आती है हमारी क्या, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट स्कीम। ओके, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट स्कीम को सरकार ने कब लागू किया था, 1997 में लागू किया था। अभी ये डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट स्कीम क्या है, देखिए प्रोक्योरमेंट करती है केंद्र की सरकार। अब अगर केंद्र की सरकार प्रोक्योरमेंट कर रही है तो उसको आप सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट बोलोगे, मतलब केंद्र की सरकार डायरेक्ट लेवल पे इन्वॉल्व होके जो गेहूं चावल है या जो बाकी अनाज है वो खरीद रही है। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट स्कीम में क्या होगा कि राज्य की सरकारें भी प्रोक्योरमेंट कर सकती हैं, राज्य की सरकारें भी चीजें खरीद सकती हैं। ओके, तो लोकल फार्मर से एक राज्य के अंदर अगर राज्य की सरकार एमएसपी या एमएसपी से थोड़ा ज्यादा पे यहाँ पे अगर क्रॉप खरीद लेती है तो इसको आप बोलते हो डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट स्कीम। यहाँ पे जो स्टेट क्रॉप्स को खरीद रहा है वही स्टेट उसको स्टोर भी करेगा और टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम के अंदर वही स्टेट उन फूड ग्रेन्स को फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू इशू भी करवाएगा और यहाँ पे उस स्टेट को पैसा मिल जाएगा। अब आपने पता होगा सेंट्रल इशू प्राइस होती है, एक चीज क्या होती है सेंट्रल इशू प्राइस, जिस दाम पे एफसीआई के गोडाउन के अंदर से अनाज निकल के जाके मार्केट में बेचेगा उसको आप बोलोगे सेंट्रल इशू प्राइस। और एक चीज होती है इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ स्टेट्स। तो अब आपको पता है कि भाई जो राज्य की सरकारें हैं वो राज्य की सरकारें अगर अनाज खरीद रही हैं फार्मर से तो राज्य की सरकारों को पैसा लग रहा है और इकोनॉमिक कॉस्ट में हर चीज़ आ जाती है, एमएसपी में भी नीवा हुआ पैसा प्लस जितना उसके ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक स्टोरेज में खत्म हुआ वो सब। आपको पता होना चाहिए कि बहुत सी राज्य सरकारें एमएसपी से थोड़ा बढ़ा के थोड़ा बोनस बढ़ा के पैसा देती हैं फार्मर्स को। तो ओवरऑल जितनी इकोनॉमिक कॉस्ट आ रही है स्टेट्स की, मतलब राज्य की सरकारों का जितना भी खर्चा आ रहा है फार्मर से क्रॉप को खरीदने में, उसको स्टोर करने में, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, और फाइनली उसने जितने में भी बेचा लेकिन बेचने वाला जो दाम है वो सेंट्रल इशू प्राइस होना चाहिए। तो इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ स्टेट्स मतलब कि समझिए, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ स्टेट्स मतलब कि राज्य की सरकार को कितना पैसा देना पड़ा, एमएसपी देना पड़ा होगा या से थोड़ा ज्यादा देना पड़ा होगा फार्मर से क्रॉप खरीदने के लिए, प्लस ट्रांसपोर्ट में जितना पैसा लगा, आपके लॉजिस्टिक्स में जितना पैसा लगा, स्टोरेज में जितना पैसा लगा, जो प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स आप जिसको बोलते हो, तो ओवरऑल उस फूड ग्रान को खरीदने में, आपका स्टोर करने में, मार्केटिंग करने में, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, बेचने में जो टोटल खर्चा लगा है ये सब जोड़ दोगे ना तो इकोनॉमिक कॉस्ट आ जाएगा। तो ये तो हो गया राज्य की सरकार का खर्चा, और राज्य की सरकार जब इस क्रॉप को बेचेगी तो किस पे बेचेगी, सेंट्रल इशू प्राइस पे बेचेगी। तो इन दो प्राइसेस के बीच का जो फर्क है ना वो फूड सब्सिडी के तौर पे केंद्र की सरकार राज्य की सरकार को दे देती है, समझ के बात को। तो अच्छा, यहाँ पे केंद्र की सरकार राज्य की सरकार को अपना काम दे रही है, क्यों काम दे रही है, क्योंकि इससे पीडीएस सिस्टम की एफिशिएंसी सुधरती है। क्यों सुधरती है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल जब फूड ग्रेन्स को, जैसे मान लो आंध्र प्रदेश है, अब आंध्र प्रदेश की सरकार आंध्र प्रदेश के फार्मर से फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर कर लेगी तो होगा क्या कि उस स्टेट के क्रॉप्स उसी स्टेट में आराम से बिक जाएंगे, उस स्टेट के क्रॉप्स उस स्टेट के लोकल टेस्ट के हिसाब से होंगे और एफसीआई के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाएंगे। क्योंकि कल की डेट में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि राजस्थान से क्रॉप खरीदा और जाके आंध्र प्रदेश में बेचा तो ये जो ट्रांसपोर्ट है इसमें भी तो खर्चा होता है, ये खर्चा एफसीआई उठाता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार के खर्चे को कम करने के लिए स्टेट की गवर्नमेंट से बोल दिया गया कि भाई आप अपने लेवल पे क्रॉप्स खरीद के बेच दो और जो फूड सब्सिडी होगी वो मैं आपको दे दूंगा, मतलब केंद्र सरकार राज्य की सरकार को दे देगी। ठीक है भाई, अब भारत सरकार ने सारी राज्य की सरकारों को बोला कि आप डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट स्कीम को अडॉप्ट करो। ठीक है भाई, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने अडॉप्ट भी किया, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि राज्य की सरकारों ने कितना प्रोक्योरमेंट किया और कितना लोगों के बीच में बांटा, इसका डाटा केंद्र सरकार तक पहुंचना चाहिए और इस डाटा के आधार पर ही समय समय पर केंद्र सरकार पैसा रिलीज करेगी राज्य की सरकारों को। अब ओवरऑल प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन हर स्टेट में जो हो रहे हैं उनकी एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट जानी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा भेजेगी। अब कल की डेट में राज्य की सरकार फार्मर से खरीद के बेचे, राज्य की सरकार की जेब से पैसा निकल गया और केंद्र की सरकार से पैसा आया नहीं तो राज्य की सरकार बीच में लटक जाएंगी। इसलिए एक ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम इवॉल्व किया गया जिसमें डेली बेसिस पे एक राज्य की सरकार ने कितना प्रोक्योरमेंट किया है और कितना मार्केट में बेचा है इसका पूरा डाटा होता है, कितना इसमें पैसा खर्च हुआ, कितना राज्य की सरकार के पास आया इसका भी डाटा होता है,
वीट पैडी कोर्स ग्रेन्स के लिए ओवरऑल पूरे देश के लिए ये ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम काम करता है। लेकिन ये वाली जो डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट स्कीम थी ना, इसमें प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम क्या हो गई थी? अब देखिए, राज्य की सरकार ओवरऑल किसानों से आइटम खरीद रही है और उसके बाद उसको बेच रही है, लेकिन राज्य की सरकार काफ़ी सारी चीज़ों को पॉलिटिसाइज करती है। तो क्या होता था कि मान लो MSP गेहूं की तय की गई है 1700 रुपये प्रति टन। मैं आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, 1700 रुपये प्रति टन आपको गेहूं की जो MSP है वो तय की गई है। तो अब अगर केंद्र की सरकार की कोई एजेंसी किसानों से जाके अगर धान खरीद रही है तो कितना पे करेंगे? 1700 रुपये प्रति टन। लेकिन राज्य की सरकार जब वही 1 टन किसानों से लेने जाएगा तो हो सकता है 1800 या फिर 1850 पे करते। तो 1700 से जो 100 या 150 रुपये एक्स्ट्रा स्टेट की गवर्नमेंट यहाँ पे कर रही वो बोनस है। तो क्या है कि पॉलिटिसाइजेशन के चलते राज्य की सरकारों ने जितना MSP अनाउंस होता है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा किसानों को देना शुरू कर दिया, ताकि किसान उनकी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दें। अब यहाँ पे इकोनॉमिक कॉस्ट जो थी स्टेट की प्रोक्योरमेंट की वो बढ़ जाएगी। और ये क्यों बढ़ेगी? क्योंकि राज्य अपना पॉलिटिसाइजेशन कर रहे हैं। अब इस इकोनॉमिक कॉस्ट और सेंट्रल इशू प्राइस के बीच का जो फर्क है वो सब्सिडी केंद्र की सरकार देती है। तो ओवरऑल यहाँ पे खर्चा किसका बढ़ जाएगा? केंद्र की सरकार का बढ़ जाएगा। तो केंद्र की सरकार ने बोला, भाई ये नहीं हो पाएगा, तुम अपने मन मुताबिक, मतलब केंद्र की सरकार यहाँ पे राज्य की सरकार से बोल रही कि तुम अपने मन मुताबिक कितना भी बोनस बांट रहे हो, ये चीज़ नहीं हो पाएगी। क्योंकि राज्य की सरकारें क्या करने लगेंगी कि भाई केंद्र द्वारा अनाउंस्ड MSP है 1700 रुपये प्रति टन, मतलब 1 टन का किसानों को 1700 रुपये देना है। अब केंद्र, ये राज्य की सरकार क्या करेगी? राज्य की सरकार सोचेगी कि पैसा और सब्सिडी तो केंद्र की सरकार दे रही है, हम एक काम करते हैं कि हम 2000 रुपये प्रति टन दे देते हैं फार्मर को। तो अगर हम फार्मर को 2000 रुपये प्रति टन देंगे तो वो अगले इलेक्शन में हमको वोट दे देगा। केंद्र की सरकार ने बोला, तुम अनलिमिटेड तरीके से बोनस दिए चले जा रहे हो, ये चीज़ अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे केंद्र की सरकार ने 2 स्टेप्स लिए। पहला स्टेप क्या था? अ लिमिट वॉज पुट ऑन इट्स प्रोक्योरमेंट फ्रॉम द स्टेट पेइंग बोनस ओवर एंड अबव द MSP अप टू द नीड्स ऑफ TDPS एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स। एंड सेकंडली, FCI स्टॉप्ड टेकिंग पार्ट इन MFC ऑपरेशंस इन द केस ऑफ नॉन DCP स्टेट्स डिक्लेयरिंग बोनस। देखिए सीधी बात, यहाँ पे क्या किया केंद्र सरकार ने बोला कि भाई TDPS के लिए और अदर वेलफेयर स्कीम्स के लिए जब आप ओवरऑल क्रॉप्स खरीद रहे हो फार्मर से और उनको TDPS और अदर वेलफेयर स्कीम्स, अब देखिए TDPS और अदर वेलफेयर स्कीम्स में जो क्रॉप बेचे जाते हैं बहुत सस्ते बेचे जाते हैं। आज भी जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें 2 गेहूं 2 रुपये प्रति केजी और चावल 3 रुपये प्रति केजी बिकता है, बहुत सस्ता बिकता है। तो इस प्रकार की स्कीमों के लिए अगर आप ओवरऑल गेहूं किसानों से खरीद रहे हो और सेंट्रल इशू प्राइस पे आगे बेच रहे हो, या फिर आप मान लो वेलफेयर स्कीम या TDPS बेच रहे हो, तो अगर आप TDPS और वेलफेयर स्कीम में बेच रहे हो तो उस केस में भाई ओवरऑल चलो ठीक है, हम आपका जो भी एक्स्ट्रा फूड सब्सिडी होगी उसको पे कर देंगे। कुल मिला के यहाँ पे जो बोनस लगाने की ताकत थी राज्य की सरकारों की, उसको लिमिट कर दिया केंद्र की सरकार ने। केंद्र की सरकार ने अलग अलग राज्य की सरकारों के ऊपर लिमिट लगा दी कि तुम इससे ज़्यादा बोनस नहीं लगा सकते। तो अगर 1700 रुपये प्रति टन MSP डिक्लेयर्ड है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1750 या 1760 या 1770, मतलब एक लिमिट से ज़्यादा बोनस डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर राज्य की सरकारों के ऊपर आप लिमिट नहीं लगाओगे तो भैया सीधी सीधी बात है कि राज्य की सरकारें तो बोनस डिक्लेयर ही करते चली जाएंगी, तो इससे तो केंद्र सरकार की फूड सब्सिडी बढ़ जाएगी। एक और बात हुई यहाँ पे, ये जो MSP ऑपरेशंस में FCI पार्टिसिपेट करती थी, जो फूड सब्सिडी दी जाती थी केंद्र की सरकार की तरफ से राज्य की सरकार को, ये उन स्टेट्स को नहीं दी जाएगी जो डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट स्कीम का पार्ट नहीं है। केंद्र की सरकार ने राज्य की सरकार बोला था आप डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट स्कीम का पार्ट बनो, लेकिन अभी भी ऐसी कुछ राज्य की सरकारें थी जो कि डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट स्कीम का पार्ट नहीं बनना चाहती थी। तो जो पार्ट नहीं बनेगी उनको केंद्र की तरफ से फूड सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो ये 2 अनाउंसमेंट यहाँ पे केंद्र सरकार ने की। अब हम बात करते हैं स्टोरेज की। स्टोरेज का क्या लॉजिक है? इसमें बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट भी है और बहुत सी चीज़ें इग्नोर करने वाली भी हैं, तो आम भर की चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। स्टोरेज मतलब कि जो भी पैदावार हो रही है फार्मर्स के द्वारा और उसको जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी या स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी खरीद रही है तो उनको स्टोर करके रखा जाएगा। अभी कहाँ स्टोर करके रखा जाएगा? तो या तो वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन में होगा या फिर किसी स्टेट एजेंसी के गोडाउन में होगा, और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन हर स्टेट्स में। तो 2019 तक अगर FCI और स्टेट एजेंसी, FCI मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इनकी टोटल अगर आप स्टोरेज कैपेसिटी देखोगे तो वो थी 750 लाख MT,
750 लाख मेट्रिक टन, 750 लाख मेट्रिक टन की स्टोरेज कैपेसिटी थी एफसीआई और स्टेट एजेंसीज को मिला के। अब इसके कुछ सब क्लासिफिकेशन, उन सब क्लासिफिकेशन में आपको जाने की जरूरत नहीं। इसका एक सब क्लासिफिकेशन जरूरी है कि भैया एफसीआई के पास स्टोरेज कैपेसिटी थी 402 लाख मेट्रिक टन की और राज्य की जो सरकारी एजेंसीज हैं उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी थी 348 लाख मेट्रिक टन की। लेकिन जो हमारा स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कुछ प्रॉब्लम भी है। देखिए हमारे स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को साइंटिफिक एग्जैक्ट नंबर्स मत रखिए, आप बस इश्यूज को समझने की कोशिश कीजिए। हमारे स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को साइंटिफिक नहीं कहा जाता है, हमारे स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में ओवरऑल बहुत सी चीज़ों की कमी है। जैसे जो वेयर हाउसेज में एसी हैं वो काम नहीं करते, प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं होता, चूहे खा रहे होते हैं हमारे गेहूं चावलों को। ओके, प्लस ये बोला जा रहा है कि जितना एफसीआई और स्टेट की एजेंसीज प्रोक्योर करती हैं ना गेहूं चावल, उसका आधा भी उनके पास स्टोर करने की जगह नहीं है। और खास बात यहाँ पे ये है कि जब भी यहाँ पे इन एजेंसीज के गोडाउन में ये फूड क्रॉप्स स्टोर कर दिए जाते हैं तो कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं होती, कोई एक प्रॉपर व्यू पॉइंट या लेआउट नहीं होता चीज़ों को करने का। तो कल की डेट में मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है या एकदम से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स मार्केट में ख़त्म होने लगते हैं। तो किसी भी प्रकार से हमारी स्टोरेज को एक स्ट्रेटजी से नहीं जोड़ा गया जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके टाइम पे। प्लस जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी। भाई हमारी कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम है, टोटल कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी है 29 मेट्रिक टन। ये प्लानिंग कमीशन ने 2012 में बोला था। और अकेले पटैटो का प्रोडक्शन इंडिया में 35 मेट्रिक टन का है, तो अकेले पटैटो का प्रोडक्शन 35 मेट्रिक टन का है, तो फिर पटैटो के साथ टमाटो कहाँ जाएगा, तो आपका खीरा जैसी चीज़ें, मतलब वो वेजिटेबल्स जो कि अगर आप कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखते हो वो ख़राब हो जाएंगे, इस प्रकार के वेजिटेबल्स कहाँ जाएंगे अगर हमारे पास कोल्ड स्टोरेज नहीं रहेगा। तो हमारे यहाँ पे इस प्रकार की कुछ प्रॉब्लम्स बताई गई हैं। प्लस हमारी जो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है उसमें केवल 10% ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम स्टोर कर सकते हैं जो कि हम इंडिया में उगाते हैं। तो हमें साइंटिफिक स्टोरेज कैपेसिटी की ज़रूरत है बट उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो जितनी ज़रूरत है और जितनी अवेलेबिलिटी है इसके बीच के गैप को यहाँ पर ख़त्म करने की ज़रूरत है। और इसके लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं सरकार के द्वारा। क्या स्टेप्स हैं? तो पहला स्टेप प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स गारंटी स्कीम। तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स गारंटी स्कीम के अंदर ये जो गोडाउंस हैं जो कि इन फूड प्रोडक्ट्स को स्टोर करते हैं, ऐसे गोडाउंस को 22 स्टेट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में बनाया जाएगा। फिर स्टील साइलोज बनाए जाएंगे, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में स्टील साइलोज बनाए जाएंगे जो कि स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करेंगे। और ऐसा स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आएंगे कि अगर वहाँ पे आप फूड ग्रेन को स्टोर करते हो तो उनकी शेल्फ लाइफ मतलब ये जो फूड है वो कितने समय तक हेल्दी रहेगा, कितने समय तक ख़राब नहीं होगा। और ये जो नए स्टील साइलोज बनाए जाएंगे ना, इनकी कैपेसिटी होगी 100 लाख मेट्रिक टन की। फिर एक ऑनलाइन डीपो मैनेजमेंट सिस्टम आप कह सकते हो इम्प्लीमेंट किया जाएगा एफसीआई को द्वारा, इसको आप डीपो ऑनलाइन सिस्टम भी बोलते हो। एक्चुअली में इसको अभी के लिए भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये जो ऑनलाइन डिपो मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करता है और फंक्शनल एफिशिएंसी को बढ़ाता है। तो ये जो डिपो ऑपरेशंस होते हैं ना जहाँ पे चीज़ें फूड ग्रेन्स खरीदे और बेचे जाते हैं, वहाँ पे स्टोरेज फूड ग्रेन्स का क्या मेंटेन करना है, फूड ग्रेन्स के साथ क्या इशू है, उनकी क्वालिटी के हिसाब से उनको सेग्रीगेट करके स्टोर करना, आपके स्टोरेज एरिया के कौन से इलाके में कौन सा फूड ग्रेन रखा हुआ है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना। तो इस प्रकार से एक आप कह सकते हैं प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पे चीज़ों को करना, ये काम है आपको ऑनलाइन डिपो मैनेजमेंट सिस्टम का। पहले बहुत हैफजर्ड वे में, एरेटिक वे में काम होता था, यहाँ पे ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने की कोशिश की जा रही है ऑनलाइन डिपो मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। ये कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? एफसीआई इंप्लीमेंट कर रहा है। और फिर अपने फाइनल टॉपिक के बारे में बात करते हैं, फार्म सब्सिडीज। देखिए फार्म सब्सिडी की बात की जाए तो हर साल गवर्नमेंट के बजट का एक बहुत अहम हिस्सा होता है फार्म सब्सिडी। अगर आप देखो तो ओवरऑल डेवलप्ड कंट्रीज में 40% ओवरऑल एग्रीकल्चर के बजट की फार्म सब्सिडी देती है। तो अगर आप यूएसए में एग्रीकल्चर बजट 1000 करोड़ का है, टू बी प्रिसाइज एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो अगर यूएसए में बजट 1000 करोड़ रुपए का है तो उसमें से 400 करोड़ डायरेक्ट सब्सिडी दी होगी यूएस वालों ने। और अगर इंडिया में बजट 1000 करोड़ का, अच्छा ये 1000 करोड़ का जो मैं बजट बता रहा हूँ ना, ये मैं एग्रीकल्चर के बजट की बात बता रहा हूँ, टोटल बजट की बात नहीं बता रहा हूँ। तो अगर टोटल एग्रीकल्चर बजट यूएसए का 1000 करोड़ है तो उसमें से 400 करोड़ तो आपकी सब्सिडी होती है स्टेट की तरफ से, सरकार की तरफ से। और अगर इंडिया में एग्रीकल्चर बजट 1000 करोड़ का है तो सब्सिडी होती केवल 7.8%।
मतलब हम लोग यूएसए और डेवलप्ड कंट्रीज से बहुत कम सब्सिडी दे रहे हैं। और एक और फर्क है हमारी और यूएस की दी हुई सब्सिडी में, यूएसए में जो सब्सिडी दी जाती है ना वो होती है आपकी डायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, और इंडिया में जो सब्सिडीज दी जाती है ना वो आपकी होती है इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज। और ये जो डायरेक्ट फार्म सब्सिडीज हैं वो इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज से बहुत ज़्यादा बेटर हैं। इसके क्या लॉजिक दिए जा रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले डायरेक्ट फार्म सब्सिडीज के बारे में कुछ बता देता हूँ। तो दीज आर दोज काइंड्स ऑफ सब्सिडीज इन विच डायरेक्ट कैश इंसेंटिव्स आर पेड टू द फार्मर्स। तो भैया वो सब्सिडीज जहाँ पे फार्मर को डायरेक्ट कैश इंसेंटिव दिया जाता है, मतलब कि जब फार्मर मार्केट में, यूएस का फार्मर अगर मार्केट में फर्टिलाइजर खरीदने जाएगा या फिर सीड वगैरह खरीदने जाएगा तो उसको मार्केट रेट पे ही मिलेंगी ये चीज़ें, लेकिन बाद में जो सरकार है वो फार्मर के अकाउंट में सीधे सीधे पैसा ट्रांसफर करती है, मतलब डायरेक्ट सब्सिडी। तो फार्मर को एक लमसम पैसा सब्सिडी में दे दिया जाता है। अब फार्मर अपनी मर्जी के हिसाब से उस पैसे से चाहे सीड खरीदे, चाहे लेबर हायर करे, चाहे ट्रैक्टर हायर करे, वो फार्मर खुद डिसाइड करेगा। अब ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। क्यों अच्छा स्टेप है? क्योंकि देखिए जब आप इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज देते हो, अभी इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज में क्या आता है, एक तो होता है चीपर क्रेडिट फैसिलिटी, ये बैंकों से सस्ते में लोन मिल गया, किसी किसान ने लोन लिया, अब राज्य की सरकार के इलेक्शन होने वाले हैं तो इलेक्शन मुद्दा बन गया, सरकार ने बोला कि हम जीत के आ गए तो भैया हम लोन माफ कर देंगे, तो सारे किसान उसी को वोट कर रहे हैं। फिर इरीगेशन के कॉस्ट को कम करना, इलेक्ट्रिसिटी के बिल को कम करना, इरीगेशन के बिल को खत्म करना, फर्टिलाइजर सीड पेस्टिसाइड्स के दाम को कम करना। तो हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या होता है कि जब कोई फार्मर जाता है फर्टिलाइजर सीड या पेस्टिसाइड खरीदने के लिए तो उसको चीज़ें सस्ती मिलती हैं। क्यों? चूंकि सरकार सब्सिडी दे रही है, उसको इरीगेशन बिल में कमी मिलेगी, उसको इलेक्ट्रिसिटी का बिल उसका कम आएगा। तो यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट सब्सिडीज मिल रही है। यहाँ पे हमारी सरकार सीधे सीधे पैसा फार्मर के अकाउंट में नहीं डाल रही है, यहाँ पे हमारी सरकार क्या बोल रही है कि हाँ भाई हम तुमको चीज़ें सस्ते में अवेलेबल करवा देंगे। लेकिन अब कौन सी चीज़ें सस्ते में अवेलेबल करवाना है और किसकी फार्मर को ज़रूरत है, ये दोनों चीज़ें एक हो ये ज़रूरी नहीं है। तो हो सकता है कि सीड पे ऊपर सब्सिडी मिल रही हो फार्मर को, तो जो सीड बोनी है उसके ऊपर फार्मर को सब्सिडी मिल रही हो, बट एक्चुअली में फार्मर की रिक्वायरमेंट सीड ना हो, इरीगेशन हो, और वहाँ पर इरीगेशन सब्सिडी ना मिल रही हो तो फार्मर लटक गया ना। मतलब कि फार्मर की जो रिक्वायरमेंट है और आप जिस चीज़ में सब्सिडी दे रहे हो वो आइडेंटिकली मैच होना चाहिए, और इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है, ठीक है ना, हर जगह पे चीज़ें आइडेंटिकली मैच हो जाएं ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए इंडिया में यही कमाई बताई जाती है हमारी फार्म सब्सिडीज़ में कि इनडायरेक्ट की बजाय अगर आप डायरेक्ट सब्सिडी दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट सब्सिडी में हमारे किसान की जेब में सीधे सीधे लमसम पैसा चला जाएगा। अब उस लमसम पैसे से किसान आपका ट्रैक्टर खरीदे, चाहे किसान आपका सीड खरीदे, चाहे पानी की लिए वो सबमर्सिबल खुदवाए, वो किसान की सरदर्दी, ये बोला जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पे अभी भी इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज पे जोर है, फार्म सब्सिडीज डायरेक्ट नहीं दी जाती है। अच्छा, ये अलग बात है कि WTO दुनिया भर की कंट्रीज पे सवाल उठाता है, चाहे वो डायरेक्ट फार्म सब्सिडीज हो चाहे वो इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज हो, दोनों के ऊपर WTO सवाल उठाता है। इनफैक्ट इंडिया की जो इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज हैं इसके ऊपर WTO ने ज़्यादा सवाल उठाया है, और WTO भी कोई बहुत दूध का धुला नहीं है। WTO में US और यूरोप की जो कंट्रीज हैं इनकी काफ़ी चलती है, तो इनके चलने की वजह से अक्सर का WTO इंडिया को प्रेशराइज करता नजर आता है कि आप अपने एग्रीकल्चर सेक्टर से सब्सिडी हटाइए। अरे भाई हम क्यों सब्सिडी हटाएं, हमारे यहाँ पे वैसे ही किसान के इतने सुसाइड हो रहे हैं, तुम्हारे प्रोडक्ट्स अगर हमारे मार्केट में आके बिकने लगे तो हमारा तो किसान खत्म ही हो जाएगा। तो ओवरऑल सब अपने अपने मतलब में लगे हुए हैं। WTO का बोलना है कि जो तुम्हारी सब्सिडीज हैं मार्केट डिस्टॉर्ट करती हैं, और वो वेस्टर्न कंट्रीज को कम बोलता है, इंडिया को ज़्यादा बोलता है, ठीक है। और इंडिया की सब्सिडीज में प्रॉब्लम है, हमें सब्सिडी देनी चाहिए बट डायरेक्ट देनी चाहिए, बट इनडायरेक्ट नहीं देनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ के किसान भी तो स्पेशल हैं, अब तुम डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे डालोगे तो कौन जाके दारू पीने लगे, ठेके बैठे नजर आए, खेती छोड़ दें, और बाद में सरकार सामने हाथ जोड़ लें, माई बाप पैसा खत्म हो गया, तो ये भी हो जाता है भाई हमारे देश में। तो ये सारे इश्यूज यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप बात करो तो इंडिया लगभग हर साल 1,60,000 करोड़ सब्सिडी में खत्म करता है। आप कह सकते हो कि 2% ऑफ GDP है, टोटल हमारी GDP का 2% तो हम सब्सिडी में ही उड़ा देते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर में सबसे ज़्यादा सब्सिडी जाती है। फर्टिलाइजर में क्या होता है, आपको पता है ना फर्टिलाइजर की सब्सिडी कैसे मिलती है, जो फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर्स होते हैं जब वो फार्मर्स को फर्टिलाइजर बेचते हैं सस्ते दाम पे बेचते हैं, जैसे रिसेंटली डाइअमोनियम फॉस्फेट के एक बैग के ऊपर सरकार 700 यानी 1400 रुपये की सब्सिडी दे रही है, मैंने करंट अफेयर्स में न्यूज़ कवर की थी, एक बार आप जाकर रिवाइज कर लेना। तो हमारे यहाँ पे फर्टिलाइजर में क्या होता है,
कि प्रोड्यूसर से ही बोला जाता है कि तुम एक काम करो, किसान को सस्ते में बेचो और हम तुमको बाद में पैसा दे देंगे। तो इस प्रकार से सब्सिडी देना, इनडायरेक्ट सब्सिडी देना यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जब इनडायरेक्ट सब्सिडी आप देते हो तो जो एक्चुअल प्रोड्यूसर होता है चीजों का, जो फार्मर होता है, वो डिसएडवांटेज पे चला जाता है, क्योंकि फिर उसका दिमाग इस बात पे नहीं लगता है कि मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे बढ़ाऊं, उसका दिमाग इस बात पे लगा हुआ होता है कि मैं सरकार से ज्यादा बेनिफिट कैसे लूं। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स यहाँ पे इग्नोर हो जाते हैं। हाँ, इनडायरेक्ट सब्सिडीज का बड़े फार्मर्स पे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आता है। लगभग 63% तो फार्म लैंड बड़े फार्मर्स के पास है, और बचा कुचा जो 37% फार्म लैंड है छोटा छोटा, वो हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के पास है, और ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स इनडायरेक्ट सब्सिडीज का ज्यादा फायदा नहीं उठा सकते। ठीक है भाई, चीजें आपको क्लियर हो गई। पर मान लो कल की डेट में इंडिया में कैश सब्सिडी दी भी जाने लगती है, तो वहां पे भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। समझिए बात को, अब तक भारत सरकार डायरेक्ट कैश सब्सिडी क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी मुश्किल है। अरे भाई, किस किसान को आपको कितना पैसा देना है ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे? हमारी सरकार आज तक, एक तो इतनी पॉपुलेशन है हमारी, फार्मर इतने ज्यादा है, इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी है फार्मिंग के ऊपर, बड़े फार्मर छोटे फार्मर, और फार्मिंग सेक्टर में ज्यादातर फायदा है बड़े फार्मर्स उठा ले जाते हैं। तो अब सरकार को लगता है कि चलो ठीक है भाई, हम अगर अब डायरेक्ट कैश सब्सिडी देते भी हैं तो हम बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो भले ही डायरेक्ट सब्सिडी देना फायदेमंद है, बट यहाँ पे बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करना उससे भी बड़ा टास्क है। तो चूंकि हमारी सरकार ठीक तरीके से बेनिफिशरी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही, तो क्या करते हैं, इनडायरेक्ट सब्सिडी दे दो। समझ गए, ये होता है। हालांकि अगर आप बाकी कंट्रीज के एग्जाम्पल देखोगे तो लैटिन अमेरिका में 16 कंट्रीज, ओवरऑल दुनिया की बहुत सी जो एडवांस कंट्रीज हैं, उन्होंने डायरेक्ट सब्सिडी को इस्तेमाल किया है, अपना लिया है। ब्राजील का यहाँ पे एक बड़ा जबरदस्त एग्जाम्पल है। ब्राजील में प्रोग्राम चलाया गया ब्राजील्स बोल्सा फैमिली, ये डायरेक्ट सब्सिडी का एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसने ब्राजील में गरीबी को बहुत कम किया। 2001 में ये प्रोग्राम एजुकेशन को लेकर चलाया गया, 2003 में इसको फूड और फ्यूल में भी एक्सटेंड कर दिया गया। तो क्या होता है कि ब्राजील में एक फैमिली को लमसम पैसा दे देगी वहां की सरकार, और सरकार बोलेगी कि ये पैसा आपको तब मिलेगा जब आपके बच्चों की स्कूल अटेंडेंस होनी चाहिए, उनकी न्यूट्रिशनल मॉनिटरिंग होनी चाहिए, प्रीनेटल और पोस्टनेटल टेस्ट होने चाहिए। तो कुछ कंडीशंस लगाई जाती हैं फैमिलीज के ऊपर, और अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो जाए तो फैमिलीज को लमसम पैसा सरकार दे देती है। अब ऐसा बोला गया है कि ब्राजील में 26 लाख फैमिलीज उसमें कवर होती हैं। मैं आपको बता दूं, ब्राजील की आबादी इंडिया से बहुत कम है, तो 26 लाख फैमिलीज वहां पे बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, इंडिया में भले बड़ा नंबर ना हो। तो ये जो बोल्सा करके प्रोग्राम है आपका ब्राजील का, इसने 2003 से लेकर 2009 के बीच में 15% पॉवर्टी लेवल्स कम किए हैं ब्राजील के अंदर। इतना जबरदस्त सक्सेस रहा है। अगर आप देखो तो ओवरऑल पॉवर्टी को आधा करना टारगेट था मिनिमम डेवलपमेंट गोल्स का 2000 से लेकर 2015 तक एमडीजीज थे, और 2015 से 2030 तक एसडीजीज हैं। ब्राजील ने अपने टारगेट से बढ़ के काम किया, 2003 से लेकर 2009 के बीच में उन्होंने अपनी पॉवर्टी को 15% कम कर लिया, और अपनी उनकी पॉवर्टी 50% से नीचे आ चुकी है। तो पॉवर्टी को आधा करना 2015 तक का टारगेट था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के हिसाब से, लेकिन ब्राजील ने यह गोल 2005 तक ही पूरा कर लिया था। और जो ओवरऑल जीडीपी का एज अ परसेंटेज वो सब्सिडी ट्रांसफर करते हैं वो है 0.54%। तो 0.4% कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। तो कुल मिला के इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसा ही आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसा होना चाहिए। क्या है, क्या डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर जैसा? तो बिल्कुल है। मैंने बोल दिया, सरकार ने 2015 से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम चलाई है। तो अब क्या होता है कि अगर आपके घर में गैस सिलेंडर आ रहा है तो आप गैस सिलेंडर का पूरा पेमेंट करोगे 750-800 रुपये जितने का भी है, और बाद में उसकी जो सब्सिडी है वो आपके अकाउंट में सरकार क्रेडिट कर देगी। इसको बोला जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मतलब किसी भी सरकारी स्कीम का बेनिफिट में जब आप मार्केट रेट पे चीज़ों का पेमेंट करो और उसकी जो सब्सिडी है वो बाद में आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो आज की डेट में अगर हमारे किसान सारे सीड्स, सारे ट्रैक्टर इक्विपमेंट्स, जितना भी इरिगेशन में खर्चा है, ओवरऑल एग्रीकल्चर का जितना भी खर्चा है वो अपनी जेब से कर दें, और बाद में उन्होंने जितना भी खर्चा किया है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू उनके अकाउंट में आ जाए, तो ये जो मेथडोलॉजी होगी ये ज़्यादा एफिशिएंट होगी, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ओवरऑल डायरेक्ट सब्सिडी को इंडिया में शुरू करने की मुहिम ऑलरेडी छेड़ दी गई है। आगे आने वाले समय में ये कैसा परफॉर्म कर पाती है ये तो देखिए समय आने पर ही पता चलेगा। तो ये था आज का लेक्चर दोस्तों, यहाँ पे मैं लेक्चर को खत्म करता हूँ। आई होप आपको पसंद आयो। देखिए एफर्ट्स लगता है इन लेक्चर को बनाने में, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में ज्वाइन करिए। आपके ज्वाइन करने से मुझे काफ़ी मदद मिलेगी। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं,
टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको मैं ओवरऑल लेक्चर्स की जो अपने करंट अफेयर्स के लेक्चर्स होते हैं उनकी PDF अवेलेबल करवा देता हूँ। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो आप फॉलो कर सकते हैं, harshdwivedi.com पे डेली बेसिस पे जाके करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। बट हो सके देन डू डेफिनेटली ज्वाइन द ज्वाइन बटन। हैव अ ग्रेट डिफरेंस। गुड बाय।